दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि ओमान गवर्नमेंट ने अपना जो है प्लेन को शुरू करने का ऐलान किया है, वो भी 1 सितंबर से। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर से आप बिल्कुल फ्लाई कर सकते हैं ओमान के लिए। और अगर आपका सिलेक्शन ओमान के लिए हुआ है या फिर आप ओमान में गए थे, वहाँ से आपका आना हो किसी कारण से, चाहे वो छुट्टी हो यानी वेकेशन हो, या फिर आपका मेडिकल इश्यू हो, या फिर आपका इमरजेंसी हो, जो भी इश्यू से अगर आप ओमान से यहाँ पे आ गए हैं इंडिया में, तो अभी आपके और आके और ओमान से आने के बाद यहाँ पे आप स्टक हो गए थे, फंस गए थे, क्योंकि प्लेन जो है वो बंद हो गई थी पूरी तरह से, तो कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों, आपका जो टेंशन लगा होगा कि भाई क्या करें, आप इंडिया आ गए हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो अभी जो है उसका आपके लिए, यानी जो लोग वैसे लोग हैं उनके लिए जो है बहुत बड़ा राहत की खबर ये है कि अब आप फ्लाई कर सकते हैं 1 सितंबर के बाद से। तो ओमान ने जो है ये बहुत बड़ी न्यूज़ दिया है, वापस फिर से वो जा सकते हैं, वीज़ा उसका वैलिड होगा तो जा सकते हैं, लेकिन शर्तें ये हैं कि आपको 2 डोज मुकम्मल करना होगा, यानी कि आप इंडिया में हैं तो कोविशील्ड का 2 डोज आपको लेना है। आप 2 डोज करवा लें, यानी फर्स्ट डोज आपने जब भी लिया होगा तो सेकेंड डोज जल्द से जल्द करवा लें, और उसके बाद आप ओमान जा सकते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके अलावा दूसरी कंट्री है जैसे कि सऊदी अरबिया और कुवैत ने भी ऐलान किया है। तो दोस्तों, से बताना यहाँ पे ये चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ ओमान नहीं, ओमान के अलावा सऊदी अरबिया और कुवैत भी जो है ओपन करने का प्लान कर रखा है। लेकिन सऊदी अरबिया में शर्त ये है कि 2 डोज़ तो लेना है ही है आपको वैक्सीन का। उसके अलावा आपको जो है डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ पर अभी तक ओपन नहीं की गई है, आपको जो है वाया किसी भी कंट्री से होके वहाँ पर आपको सऊदी जाना पड़ेगा, तो सऊदी का ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा अभी जो है कतर तो ओपन है ही है, कतर के अलावा ओमान ने भी ऐलान कर दिया है 1 सितंबर से आप वहाँ पे जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। तो आई होप कि, उम्मीद करता हूँ कि अब धीरे धीरे सारी कंट्रियाँ जो हैं ओपन करना शुरू कर देंगी, और जब ऐसा होता है तो फिर जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब जो है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब कुछ पटरी पे आ जाएगी। तो अब ये है कि अगर आपने ओमान के लिए आपका कहीं पे सिलेक्शन हो गया है या आप पहले से वहाँ पर थे, वीज़ा वैलिड है और जा रहे हैं, तो शर्त सिर्फ ये है कि आपको जो है 2 डोज कंप्लीट करना है। मैं दूसरी कंट्रियों का शायद आइडिया नहीं है कि कौन सा वहाँ पे अप्रूवल है गल्फ कंट्री से, लेकिन इंडिया में जो है कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो अप्रूवल है, आप उसे लगा लें। अगर आपने सिंगल डोज लगाया है तो एक और डोज़ के लिए जो है आप अपॉइंटमेंट ले लें, या फिर डायरेक्ट जाकर वहाँ पर ले लें। अगर आपका 84 दिन पूरा नहीं होता है तो उसका तरीका ये है कि आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे अधिकारी होंगे उसको आप लिखेंगे लेटर वगैरह, और लिख के वहाँ पर दर्शाएंगे कि मैंने जो है एक डोज ले रखा है और मुझे जो है दूसरा डोज लेने की अनुमति दें, और ऐसा लिख के उसे देंगे। और उसके बाद अपना पासपोर्ट के ऊपर आपको लेना है सेकेंड डोज, और फर्स्ट डोज भी पासपोर्ट के ऊपर ही लेना है, तो आप जाके वहाँ पर सेकेंड डोज अपना जाके कंप्लीट कर लें, और सेकेंड डोज लगवाने के बाद आप तैयार रहें। और जब भी आपका फिर फ्लाइट का जो है डेट आप लेते हैं तो उस डेट में आप फ्लाइट लेके जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये है कि अगर आपका कहीं पे सिलेक्शन हुआ है तो वो भी अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन अगर हो गया है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड है जो कि कुवैत के लिए ही अपना पासपोर्ट लगाया था और किसी पोस्ट पे वो भी जो है जा रहा है, तो गुड न्यूज़ है उसके लिए भी, और उसे भी जो है अपना जो चीज़ें हैं, जो वैक्सीन जो लगाने का जो प्रोसेस है वो सब कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा अगर आप फ्लाई करते हैं तो RT-PCR टेस्ट होता है 72 घंटे के अंदर में, जो कि पहले से ही ये चीज़ लगा हुआ था, तो आपको RT-PCR टेस्ट में भी नेगेटिव आना है। तो इन सब चीज़ों का जो है नियम और शर्तें हैं, जो कि ये भी नया नया हुआ है जिसे मैं अपडेट करना सोचा था। हालांकि ये न्यूज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ ये इतना नया नहीं है, ये न्यूज़ 4-5 दिन पहले की है कि ओमान गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि आप 1 सितंबर से उसके कंट्री में फ़्लाई कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा परमिशन दिया है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी। इससे पहले जो है दुबई ने भी ओपन कर रखा है कुछ नियम शर्त के साथ साथ, ओमान ने भी कुछ नियम शर्त, जैसे मैंने बताया कि कोविड वैक्सीन जो आपको लेना होगा, ये जो नियम शर्तें जो है लगा लगा के सारे कंट्रियाँ अब ओपन कर रही हैं। और आप खुद भारत में भी देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ आपको जाने के बाद में आपको RT-PCR टेस्ट में आपको नेगेटिव आना होगा, या फिर आपको
कोविशील्ड का वैक्सीन लगा हुआ होना होगा। तो ऐसा हमारे देश में भी है और उनके देश में भी वही सेम नियम है। और क्वारंटाइन होने की जो है वो क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो अभी तक तो किसी ने ओमान गया नहीं, तो सही से कुछ रिपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कतर के लिए जा रहे हैं तो आपको 7 दिन कम से कम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आप पहले से कतर में थे तो कम से कम 2 दिन आपको क्वारंटाइन वहाँ पे रहना पड़ेगा। फिर से अगर कतर जा रहे हैं तो 1 वीक आपको जो है क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा। ये रूल है कतर का। और ओमान के लिए जो गुड न्यूज़ ये है कि फ्लाइट जो है ओपन हो गई है, तो आप तैयार हो जाएं। मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बता दूं। हालांकि कई लोग जानते भी होंगे इस बारे में क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, लेकिन फिर भी मेरा बताना एक तरह का फ़र्ज़ था, तो मैं सोचा कि आपसे इस बारे में जिक्र कर दूं। आई होप कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।